अमेरिका और रूस के बीच करेंसी को लेकर कोल्ड वॉर। रूस ने डॉलर और यूरो में बिजनेस बंद किया। कैबिनेट मीटिंग में राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा फैसला। पुतिन ने डॉलर को एक असुरक्षित करेंसी बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी रूबल पर लगा रखा है प्रतिबंध। रूबल पर प्रतिबंध तो जाहिर है दुनिया के सामने है, लेकिन इधर डॉलर और यूरो को इनसिक्योर करेंसी बताते हुए ये कहना कि इनमें हम अब व्यापार ही नहीं करेंगे, अंगूर खट्टे जैसा है, या वाकई ये पुतिन का कन्विक्शन है, ये हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले शिवाज सर, अभी रणनीतिक जगहों पर रूस के कब्जे से आजाद कराकर खुद को काबिज करा देना, यूक्रेन का ये कदम आने वाले दिनों के हिसाब से क्या इशारा है? देखो दिनेश, इसमें कोई शक नहीं कि कीव जो एक पावर सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जब तक कीव नहीं गिरता तब तक मुझे नहीं लगता है कि रूस कह सकता है कि उसने कोई यूक्रेन पे कब्जा किया है। यह भी सच्चाई है कि आज 28 दिन हो गए और रूस जो है एक खारासन जो टाउन के अलावा बाकी कोई मेन जो इलाका नहीं जीत पाया। खारकीव जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है उसको भी नहीं जीत पाया, जो कि ईस्टर्न यूक्रेन में। जहां कीव की बात आती है तो कीव में जिस प्रकार से यूक्रेन ने एंटी टैंक डिफेंस बनाई है, चारों तरफ से उसने अपने जो आइसोलेशन किया था रूस की फौज उनको भी पीछे धकेल दिया है। एयरपिन जिसको वो फॉर्म बेस का इस्तेमाल कर रहे थे उसको भी कब्जे में कर लिया है। और जहां तक वेस्टर्न कंट्री से उनको जेवलिन मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल और ड्रोन मिलते रहेंगे और तो लड़ाई लंबी खिंचेगी, क्योंकि नहीं, लेकिन सर ये जो सिचुएशन बनी हुई है या अर्बन एरिया की लड़ाई करते हैं तो वो डिफेंडर को फायदा है। राइट, इसके लिए जो यूक्रेन की फौज तैयार है, मुझे लगता है रूस की फौज को बहुत कैजुअल्टी होगी और ये लड़ाई लंबी खिंचेगी, क्योंकि यूक्रेन सर जो डिफेंसिस बनाई है कीव में वो इतनी जल्दी। मैं वापस आता हूं सर सचदेव आपके पास शिवाज सर, लेकिन कमोडोर शिवाज आपके पास मैं इस बात को लेकर आ रहा हूं कि ये कैसी स्थिति है। 28 दिन गुजर गए हैं, ना यूक्रेन हारा है ना रूस जीता है, ये जा किधर रहा है मामला? देखिए ऐसा है कि रशिया काफी कैलिब्रेटेड ग्रेजुएटेड वे में अपना एडवांस कर रहा है। वो नहीं चाहता कि ज़्यादा वहाँ पर कैजुअल्टी हो, वहाँ के अर्बन सेंटर में और जो उनके असेट्स हैं उन पर ज़्यादा जो है नुकसान हो। उसके लिए जो है रसिया थोड़ा सा स्लो जा रहा है, लेकिन वो डेफिनेटली जो है बहुत ही मजबूत ताकत है और यूक्रेन के मुकाबले तो बहुत ही बड़ी ताकत है दुनिया की। उसके पास नंबर दो एयरफोर्स सेलिब्रेटेड जिसको आप कह रहे हैं, ज़्यादा असेट्स हैं। सर मैं आपके पास इसका एक एडजॉइंटर लेकर आ रहा हूं कि कहा यह जा रहा है कि वहां तो लेजर बॉम्ब रिहायशी इलाकों तक में गिराए जा रहे हैं, थिएटर तक को नहीं छोड़ा जा रहा। मैं अभी दिखाऊंगा इसको आपको। क्या आप उस समय यह कह सकते हैं कि कैलिब्रेटेड है? आप कैलिब्रेटेड कहने का ही सहारा है रूस के पास, ये भी समझना चाहूंगा। महेश सचदेव सर आपका ओपिनियन। देखिए ये डेलिब्रेटली तो ऐसा नहीं किया जा रहा है, कोई एक आधी जगह गलती हो जाती है, लेकिन कम बैक टू यू सर। ये अब मैं सचदेव सर के पास लेकर गया था, मैं आपके पास आता हूँ सचदेव सर जी। दिनेश जी आप याद करेंगे कि मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि इस लड़ाई को लंबा खींचने का अपना एक लक्ष्य है। रूसी नहीं चाहते हैं कि लड़ाई लंबी खींचे, उनका लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी ये लड़ाई ख़त्म हो और उनकी शर्तों पे ख़त्म हो। दूसरी ओर अमेरिकी और पाश्चात्य देश जो कि यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, ठीक है, उनका लक्ष्य ये है कि लड़ाई लंबी खींचे और ये एक तरह से दूसरा अफगानिस्तान बन जाए रूस के लिए। ठीक है, ये लड़ाई लंबी खींचे ताकि रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान इन्फ्लिक्ट किया जा सके। रूस इस बात को भांप रहा है क्या, या उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है? कमर आगा साहब, सवाल ये है कि रूस के लिए 28 दिन खींच जाने के मायने क्या है इतने गंभीर सैंक्शंस के बीच? मैं समझता हूँ बड़े भयानक है। पहली बात तो ये कि ये तो तय हो गया कि लड़ाई जल्दी ख़त्म होती दिखती नहीं है, लंबी ही चलेगी। दूसरी बात यह है कि इसमें और देश भी शामिल हो सकते हैं। ये एक ऐसी जंग है कि जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली ये बहुत से देश इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसलिए कि रशिया अपने को कंटेन करने कभी नहीं देगा और ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ होगी सभी के लिए, खासतौर से यूरोप के लिए। दूसरी तरफ ये भी है कि रशियन और जो अमेरिकन, ये प्रॉक्सी वार ज़्यादा
चल रही थी जिसमें रशिया सीधा सीधा इन्वॉल्व हो गया है। अब रशिया का इन्वॉल्वमेंट कब तक रहेगा ये उनके हाथ में नहीं, जंग तो वो शुरू कर सकते हैं, ख़त्म करने का उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। वो कार्ड जो है वो यूरोप और अमेरिका के पास है, वो जब तक जी चाहेगा इस जंग को आगे बढ़ाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे डर लगा रहता है कि कहीं ये रशियन किसी स्टेज पे, अब दूसरे मुल्क भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, उस दूसरे मुल्कों को ड्रैग कर सकता है, रशिया खुद जा सकता है कहीं अटैक कर सकता है। ये उसने धमकी भी दी है, न्यूक्लियर की भी धमकी दी है। अब ये देखना ये है कि क्या सचमुच वो उसको लेके जाएगा, वहां तक जाएगा, इसलिए कि ये बहुत खतरनाक बात करी है उन्हीं ने। न्यूक्लियर धमकी के बीच ये बात आगे कितना जाती दिखाई दे रही है। ये बात सच है कि रूस के हिसाब से चीजें बहुत देर होती जा रही है, लेकिन वेस्टर्न फोर्सेस यही चाह रही हैं, यूक्रेन में ज़ेलेंस्की भी यही चाह रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर।